अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एलिडे रजनी क्वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 40 अबाउट द एटम्स प्रॉब्लम 8। वो कहता है सब शेल L3 है, ग्रेटेस्ट मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ML बताओ, कितनी स्टेट्स अवेलेबल होंगी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ML के लिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन द सब शेल। अब हम जानते हैं कि ML मैक्सिमम होगा आपके पास जब L की जो वैल्यू होगी, जितनी L की वैल्यू हो वही ML की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे 3 है क्योंकि उसने 3 दिया हुआ है। और अगर हम बात करें कितनी स्टेट्स अवेलेबल होंगी ML के लिए, तो हम कहेंगे 2 स्टेट्स अवेलेबल होंगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही स्पिन ओरिएंटेशन रख सकता है। फिर अगला केस है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की बात की जाए, तो हम कहेंगे हर एल के लिए क्वांटम नंबर ML माइनस एल से एल तक होता है, तो इस जरूरत में 7 स्टेट्स बन जाएंगी। मगर MS की भी 2 स्टेट्स होंगी, तो हम उसको टोटल ले लेंगे 12 प्लस 1 इंटू 2, तो इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये आपके पास 14 के करीब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हासिल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, पक्के इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।